कुशाग्र हत्याकांड में दिन प्रतिदिन एक नया मोड़ सामने आ रहा है, जहां पर मंगलवार को पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर AIMIM की महिला जिलाध्यक्ष शाहना परवीन ने पुलिस कमिश्नर को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उनकी मांग थी कि कुशाग्र के हत्यारों को फांसी ही होनी चाहिए, क्योंकि इस हत्याकांड में जो फिरौती के लिए पत्र कुशाग्र के घर में भेजा गया था, उससे मुस्लिम समाज को बहुत आहत पहुंची है, क्योंकि आरोपियों ने पत्र में अल्लाह अकबर जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया। इससे माहौल बिगड़ जाता है और अपहरण, फिरौती व हत्या प्रकरण के साथ ही हिंदू मुस्लिम प्रकरण भी जुड़ जाता है। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड की सूझबूझ से इस मामले में खुलासा हो गया। उन्होंने कहा कि अगर कुशाग्र के तीनों हत्यारों को फांसी नहीं दी गई तो वो सड़कों पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगी। आज हम यहाँ पुलिस कमिश्नर के पास आए थे मेमोरेंडम देने के लिए। क्या मामला था? मामला वही है जो कुशाग्र की जो हत्या निर्मम की गई है, वो टीचर के उससे उसके प्रेमी और उसका साथी मिल करके जो उसे फिरौती के लिए 30 लाख की फिरौती मांगी, और उसके बाद भटकाने का काम ये किया उन लोगों ने कि एक जो चिट्ठी लिखी उसमें अल्लाह अकबर का मतलब एक नारा उसमें लिख करके दिया। ये एक तरह से अपने ऊपर शक ना जा करके हिंदू मुस्लिम विवाद में उलझाने का काम कर रहे थे, और एक बड़ा मतलब जो है क्या नाम है दंगा होते होते बचा, वो जो एक राजेंद्र करके हैं गार्ड, उनकी वजह से बच गया, क्योंकि उन्होंने उस गाड़ी को पहचान लिया था कि वो एक टीचर की ही गाड़ी है और ये सारा मामला जो है मास्टरमाइंड टीचर ही है और उसका प्रेमी प्रभात और एक उसका जो दोस्त है आर्यन, इन लोगों ने मिल करके उसको जो उसको गला घोट करके मार डाला। हम इसलिए आए थे कि यहाँ पर जो उस बच्चे के साथ किया है बहुत गलत किया है कि उसके गला घोट के किसी के घर का चिराग बुझा दिया चंद पैसे की लालच में। तो इस तरह के जो आए दिन कुछ ना कुछ कांड होते रहते हैं, तो ये ना हो करके जब फांसी की सज़ा होगी तो जो और जो लोग हैं उनमें ये डर आ जाएगा कि अगर हम किसी के बच्चे की हत्या करते हैं तो हमको फांसी की सज़ा मिलेगी। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि फांसी की सज़ा इसीलिए भी मिले कि जिससे और परिवारों के जो बच्चे हैं वो बच जाएं, और इसको फांसी की सज़ा मिले, और अगर नहीं मिलती है तो हम कानूनी दायरे में रह करके धरना प्रदर्शन भी करेंगे अगर मेरी बात को नहीं माना जाएगा। योगी जी छोटी छोटी बातों पर बुलडोजर चलाने का काम करते हैं, चलवा देते हैं, लेकिन इतना बड़ा एक ज़िले के अंदर कांड हो जाता है कि एक व्यापारी का जो बेटा है 16 साल का, उसको इस तरह से मारा जाता है, और अब उन आरोपी जो हत्यारे हैं उनके घर पे अभी तक बुलडोज़र नहीं चला, तो क्या योगी जी बुलडोज़र नहीं चलवाएंगे क्या उनके ऊपर?